उत्तर प्रदेश बहराइच फकरपुर पटारसिया चौराहा अमर सेवा संस्थान के द्वारा 8 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पुराने से पुराने जटिल रोगों का इलाज किया जा रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट एक्यूपेशन रत्न से सम्मानित डॉक्टर कपिल बत्रा ने बताया कि आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी हर तरीके की बीमारी का एक ही इलाज है। कैंप में 268 मरीजों को देखा गया, जिसमें डॉक्टर कपिल बत्रा कटरा वैष्णो देवी निरोग्य जीवन संस्थान से, उनके साथ आई टीम में डॉक्टर यादव, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर अंजू गुप्ता, डॉक्टर अभिनव और सभी थेरेपिस्ट ने सेवा दी। कैंप का आयोजन अमर सेवा संस्थान बहराइच डॉक्टर अमरनाथ ने किया। वहीं जन्म से मोनू नाम का बच्चा जिसे बोलने के साथ सुनने में भी दिक्कत थी उसे सिर्फ 3 दिन में बोलने के साथ सुनने में भी फायदा हुआ। मोनू कुमार क्या दिक्कत थी उनको? उनके कान से कम सुनत रहे और बोले में फंसत रहा। ये कब से था? अभी जन्म तो था। जन्म से था तो क्या यहाँ पे फायदा हुआ आपको लाके? कुछ फायदा तो कुछ साफ तो आज जाने पर था। कौन है वो लड़का? यही लड़का सर, ये हमारे गुरु जी हैं डॉक्टर मनोज शर्मा जी, जो कि कोटा राजस्थान से हैं। सर उनसे मैंने आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी का शिक्षा ली है उनसे, अपने गुरु जी डॉक्टर मनोज शर्मा जी से, और उसी विधि से यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी से। सर ये तो हमारे गुरुजी तो एक धन्वंतरी जो भगवान है हमारे, उन्हीं का ही रूप है। सर उनकी टेक्निक जो है वो उन्होंने अपनी दादी जी से ये ली थी, और उसके बाद इन्होंने बड़ी सारी चीज़ों को आविष्कार किया आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी के अंदर, और इस आविष्कार ने पूरे अपने हिंदुस्तान में इतने सैकड़ों मरीजों को फ़ायदा पहुँचाया है। और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से दिल्ली में, मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर कैंप्स कर रहा हूं। अब हमारे को डॉक्टर साहब डॉक्टर अमर सर ने हमें अपने यूपी में बुलाया और मौका दिया, और मेरा यहां पे 8 दिनों का मेडिकल चेकअप कैंप्स रखा यहां पे, और उसी कैंप का आज तीसरा दिन है सर। और तीसरे दिन के अंदर 8 से 10 बच्चे जो हैं जिनको सुनाई नहीं देता, जो वो बोल नहीं सकते, सीपी पेशेंट है, उनको कुछ ना कुछ सर आराम देखने में मिल रहा है। आप खुद भी कुछ बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनको क्या आराम मिला, कैसे है।